నా కుటుంబ సభ్యులారా బిఆర్ఎస్ నే తెలంగాణ కే మేరే గరీబ్ భాయ్ బహనో పర్ ఉన్కో జో డబల్ బెడ్రూమ్ కి వాలే ఘర్ దేనే కే సపనే దిఖాయే తే లేకిన్ యే వాదా భీ బిఆర్ఎస్ కా హవా మే ఉడ్ గయా एक तरफ बीआरएस का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वहीं बीजेपी का सेवा काल भी है। केंद्र में बीजेपी सरकार ने हमारे पिछले 9 साल के सेवा काल में गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बना करके दिए हैं। पीएम आवास योजना अर्बन के तहत तेलंगाना में भी शहरों में 2,50,000 से ज्यादा घर बने हैं। हमने गरीब की हर चिंता का हर जरूरत का ध्यान रखा है। 3-4 दिन पहले ही हमने ये भी तय किया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आप जानते हो जब कोविड का कालखंड था पूरी दुनिया जिंदगी और मौत का संकट झेल रही थी, परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को मिल नहीं पा रहा था, कामकाज ठप हो चुके थे, तब गरीबी से निकला हुआ मोदी जो गरीबी को भली भांति जानता है, समझता है, गरीबी को जी करके आया है, उसने तय किया कितना ही संकट क्यों ना आ जाए मैं गरीब के बच्चों को भूखे नहीं सोने दूंगा, मैं गरीब का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। और इसलिए हमने गरीबों के लिए मुफ्त अन्न की योजना शुरू की। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और ये योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली है। दिसंबर में योजना पूरी हो रही है लेकिन गरीबी को जानने वाला मोदी गरीबों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता है। और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैंने निश्चय किया है कि गरीबों को जो आज अन्न मिल रहा है उसे आने वाले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, 5 साल और बढ़ाया जाएगा। आप सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश चालू कीजिए, गरीबों के कल्याण में आपके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, गरीबों के कल्याण के लिए मोबाइल की फैस चालू कीजिए। 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की इस योजना के समर्थन में आप अपनी फ्लैश लाइट चालू कीजिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चलनी चाहिए। ये गरीबों के कल्याण के लिए है, ये मोदी की गारंटी का समर्थन है, ये मोदी की गारंटी का समर्थन है। गरीबों का कल्याण ये हमारे दिलों में है और इसलिए इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, यानी ये गरीबों को मुफ्त राशन की योजना अब आने वाले 5 साल और चलेगी। इसका लाभ तेलंगाना के भी लाखों गरीबों को मिलेगा।